हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से टिकलाम स्वागत है। मैं क्लास 12th केमिस्ट्री में लेकर आ गया हूँ विद्युत भट्ट, इलेक्ट्रोलिट ना। तो विद्युत भट्ट के बारे में चर्चा करेंगे, और यह दो प्रकार के होता है, प्रबल वैद्युत भट्ट और दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत भट्ट। तो पहले में देखेंगे, पहले होता क्या है विद्युत भट्ट। देखिए, क्लास 12th में यदि आप है तो क्लास 12th की जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है आपको इस चैनल पर, ओके। और हर एक वीडियो मिलेगा, और जल्द ही आपका मैथ का सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है। तो वे पदार्थ जो जल में घोले पर सुचालक की भांति व्यवहार करता है, किसकी भांति व्यवहार करता है? सुचालक की भांति व्यवहार करता है, वह क्या होता है? विद्युत भट्ट होता है। तो विद्युत भट्ट किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो सुचालक की भांति व्यवहार करता है। अब सुचालक क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा सीरीज वाइज, तो उसे जरूर देखिएगा। सुचालक होता क्या है, अब बात उसमें उठती है ना, लेकिन सुचालक मैं बता चुका हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सुचालक की चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा। तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर सुचालक की भांति व्यवहार करता है, उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा कि जो पदार्थ होता है जो सुचालक की भांति व्यवहार करता है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। यदि ये दो प्रकार का होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। पहला होता है क्या? प्रबल वैद्युत अपघट्य। चले, ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जल में घोलने पर 100% आयनित हो जाते हैं, क्या हो जाता है? आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, इनकी जो होती है आयनन क्षमता बहुत उच्च होती है। किससे उच्च होती है? दुर्बल से वैद्युत अपघट्य से उच्च होती है प्रबल वैद्युत अपघट्य की क्षमता, ठीक है। अब फिर से एक बार देखिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य आपकी बात समझ में आपको आ जाएगा। तो ऐसा वैद्युत अपघट्य जो जल में घोलने पर 100% आयनित हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, जो मिल जाते हैं, 100% मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य। जो एक बार मिलाने पर 100% वह विद्युत अपघट्य को जल में जब मिलाया जाता है तो वह पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, 100% मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्या है दुर्बल वैद्युत अपघट्य? आखिर ये क्या होता है, ठीक है? देखिए, ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनकी आयनन क्षमता बहुत कम होती और उसका अधिक था, ठीक है ना। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनकी आयनन क्षमता बहुत कम होती है, उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा कि जिनकी आयनन क्षमता बहुत कम होती है उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास 12th की जबरदस्त तैयारी और 10th की जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।